नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एनएस एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत और मध्य प्रदेश में जो पंचवर्षीय योजनाएं चली, उनकी अवधि क्या रही और उनसे रिलेटेड कुछ उनके लक्ष्य क्या थे, उनकी उपलब्धियां क्या थी और उनकी असफलताओं के कारण क्या थे। इन सब चीजों के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। और अभी अपकमिंग जो आपका एग्जाम है मध्य प्रदेश पटवारी, उसके लिए ये टॉपिक आपका, देखिए, अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पटवारी के एग्जाम के लिए हो जाएगा। और जहां तक मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पटवारी में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला जो टॉपिक है, उसमें आप मेन जो आपका मध्य प्रदेश की कृषि है उस पे सबसे ज्यादा फोकस करें। मध्य प्रदेश के जो वन है, मध्य प्रदेश में पशुपालन है, इन सब चीजों पे सबसे ज्यादा आप फोकस करें, क्योंकि आप जितनी भी मार्केट से बुक खरीदोगे सब में सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है। तो आप चाहे महावीर पब्लिकेशन ले लें, चाहे अरिहंत पब्लिकेशन ले लें, चाहे कोई सी भी बुक की पब्लिकेशन ले लें, सब में ज्यादातर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चीजें हैं वो अलग अलग दी हुई हैं, तो आप बहुत ज्यादा बुरे तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश की कृषि, मध्य प्रदेश की मृदा, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये अल्टीमेटली जैसे मध्य प्रदेश की मिट्टी है, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स डायरेक्ट किसको अफेक्ट करते हैं? कृषि को अफेक्ट करते हैं। और कृषि अफेक्ट होना मतलब सीधी सीधी आपकी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो अफेक्ट इससे हो रही। तो आप इन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करें। पशुपालन के ऊपर आप ज्यादा फोकस करें, मध्य प्रदेश के जो वन है इनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करें। तो मैं अभी आपको ये पंचवर्षीय योजनाओं का जो वीडियो है वो दे रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं आपका मध्य प्रदेश की जो मृदाएं हैं, जलवायु हैं, और मध्य प्रदेश की जो कृषि है, जिसमें मैं आपको भारत की कृषि और मध्य प्रदेश की कृषि दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, और ये डिटेल में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी इतने दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो यही कारण था कि मैं खुद कंफ्यूज था कि मैं आपको कौन कौन सी चीज ऐसे पढ़ाऊं। तो कुछ प्रीवियस पेपर्स वगैरह मैंने देखे हैं और कुछ लोगों की राय ली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपका सबसे ज्यादा फोकस आपको मध्य प्रदेश की जो कृषि है, या कुछ कुछ हिस्से तक, कुछ परसेंट तक भारत की जो कृषि है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी पंचायती राज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपका जो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है उसमें से आप पंचायती राज का पढ़ें, आप इधर उधर इन सब चीजों में डाइवर्ट ना हो। और पंचायती राज का बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुका है, तो मेरा ये मानना है कि अब आप लोग देख सकते हैं। और बाकी आप में से अगर मेरे पास कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको लक्ष्मीकांत जो बुक है उससे मैं आपको एक बार उसकी जो पीडीएफ है उससे मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे लगता है कि 100 सवा 100 कमेंट्स कम से कम इतने अगर मेरे पास आ रहे हैं, तो फिर मैं एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उससे पढ़ा दूंगा। हालांकि यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट आ चुका है, हर दूसरे चैनल पर आपको पंचायती राज का वीडियो मिल जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने पंचायती राज का वीडियो नहीं बनाया है। बाकी एम लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चन आएंगे, इधर उधर आप वैसे मेरे ख्याल से ना भटकें तो ज्यादा बेहतर है। एम लक्ष्मीकांत में जितना भी पंचायती राज दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज है वो भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो वो उसके लिए फिर आप कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, चाहे रिहंत हो, चाहे महावीर हो, चाहे पुणेकर पब्लिकेशन हो। ठीक है, गलतियां आपको ज्यादातर बुक्स में मिलेंगी। मध्य प्रदेश का जितना भी कंटेंट है उनमें सब में गलतियां हैं, कोई सी भी बुक ले लीजिए आप, ज्यादातर बुक्स में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमारी जो पंचवर्षीय योजना है उनमें सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी जिसका टाइम ड्यूरेशन था 1951 से लेके 1956 तक। तो देखिए दोस्तों, इसमें सीधी सी बात है, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन ही हुआ था, तो पहली पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश का गठन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये पूरे देश में की हम इसमें बात करेंगे, तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो थे हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, हैरोड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो लक्ष्य था उसमें क्या था? कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता। अब यहां पे देखिए, मैंने जो बोल्ड किया है वो तो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा मैं जो आपको बताता जाऊंगा वो आपको ध्यान रखना है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी, सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि कृषि, देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसे आपको पता है मैक्सिमम आपका जो किसान है वो खेती करता है, और खेती करके ही भारत में जो आयात निर्यात होते हैं, जैसे हमारे यहाँ से चावल बाहर जाता है या कोई दूसरी चीज बाहर जाती है, इन सब चीजों के ऊपर अल्टीमेटली हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड करती है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मेन रूप से
कृषि पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और इसका विकास करना उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करना भी एक लक्ष्य था। निवेश की जो मात्रा है उसको 5 से 7% तक बढ़ाना था। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, जो भी खाद्य है या जो अन्न है उनमें आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था, हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना था। इसके अलावा जो शरणार्थी थे उनका पुनर्वास करना, आजादी 1947 के बाद, आजादी के बाद कई शरणार्थी भी थे उनको भी पुनर्वास करना एक लक्ष्य इसमें रखा गया था। इसकी उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, क्योंकि मेन सर्वोच्च प्राथमिकता भी तो हमने इसी को दी थी। राष्ट्रीय आय में 18% की राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि दर्ज करी गई। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई और जो लक्षित विकास दर थी 2.1% उसकी अपेक्षा 3.6% की विकास दर की प्राप्ति हुई। मतलब कुल मिला के जो ये योजना थी ये कुल मिला के सफल रही, जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा हमने प्राप्त किया। इसके अलावा कीमतों में भी स्थिरता आ गई थी, मतलब जो महंगाई थी वो स्थिर हो चुकी थी। इसके अलावा इसकी असफलताओं में 378 करोड़ के संशोधित व्यय का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 1960 करोड़ रुपए ही व्यय हो पाया। पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो हमने सोचा था कि 378 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे वो हम खर्च नहीं कर पाए। कितना कर पाए? सिर्फ 1960 करोड़ रुपए ही हम खर्च कर पाए। तो ये थी हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 7 मार्च 1953 को, देखिए जो पंचवर्षीय योजना थी वो कहां से कहां तक चली थी, 1951 से लेकर 1956 तक, तो इसी में आता है आपका 1953। तो 7 मार्च 1953 को गांधी सागर बांध का शिलान्यास किया गया, गांधी सागर बांध का शिलान्यास करा गया था। ठीक है, और ये इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करा गया था। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि ये करा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी, मतलब मध्य प्रदेश क्या, तब तो पूरा भारत में ही ये आता था तो अलग से मध्य प्रदेश था ही नहीं, तो मेन रूप से यहाँ पे हमने कृषि को ही सबसे ज्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता दी हुई थी। तो मध्य प्रदेश में आपको केवल इस पॉइंट को याद रखना है कि गांधी सागर बांध का शिलान्यास करा गया था, किसने करा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वो किस पंचवर्षीय योजना में करा गया था? पहली पंचवर्षीय योजना में करा गया था 1953 में, 7 मार्च 1953 को। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेके 1961 तक ये चली थी और इसी पंचवर्षीय योजना में ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इसी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो इसमें भी मध्य प्रदेश को ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया था। ठीक है, और ये थी महल नोबिस मॉडल पर आधारित। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। और कृषि के अलावा इसमें उद्योगों के तीव्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। देखिए कृषि हमने काफी कुछ अचीवमेंट कर लिया था कृषि लिए, तो अब हम आए किस पे? अब हम आ गए उद्योगों पे, कि अब उद्योगों का विकास होना चाहिए, क्योंकि उद्योगों का विकास होगा तो रोजगार मिलेगा लोगों को, रोजगार मिलेगा तो फिर आजीविका उनकी चलने लगेगी, तो काफी चीजें सही जाने लगेंगी। तो इस तरीके से हमने अब उद्योगों के तीव्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमने कृषि को छोड़ दिया, कृषि को भी हमने इक्वल वेटेज दिया, लेकिन हमने उद्योगों को सर्वोच्च, सर्वोच्च मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, जिसका कांग्रेस ने अवधि सम्मेलन में अनुमोदन किया था। ठीक है, ये अवध सम्मेलन होगा, अवध सम्मेलन में अनुमोदन इन्होंने किया था। फिर राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, एक लक्ष्य रखा गया। असमानताओं को कम करके रोजगार के अवसर सृजन करना, देखिए उद्योगों का विकास होगा तो रोजगार तो अपने आप ही सृजित होंगे। इसके अलावा 7 से 11% तक की निवेश दर में वृद्धि करना। अब देखिए उपलब्धियां क्या क्या हुई। उपलब्धियों में जो विकास दर थी उसको 4.2% की अपेक्षा में कितनी मिली? 4.5%, मतलब एक अचीवमेंट। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना करी गई, जो किसकी सहायता से करी गई थी? ब्रिटेन, सोवियत संघ और जर्मनी। तो दुर्गापुर वाला जो था वो ब्रिटेन, ये मैं अलग अलग नहीं कर पाया इनको, तो ये जो ब्रिटेन का था ये दुर्गापुर की, मतलब ब्रिटेन की सहायता से, और जो भिलाई का था वो सोवियत संघ की सहायता से, और जो राउरकेला का था वो जर्मनी की सहायता से।
ये सब करा गया। ठीक है, इसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना कि परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है वो कब करी गई थी, किस सन में करी गई थी। तो ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप सर्च करके बताएं, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करके बताएं मुझे। फिर असफलताएं, असफलताएं क्या था, विदेशी विनिमय दर के निम्न होने से विकास दर प्रभावित हुई थी, हालांकि इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। फिर महंगाई और कम कृषि उत्पादन से आर्थिक विकास प्रभावित, इससे काफी चीजों के ऊपर फर्क पड़ गया था कि जो महंगाई थी और कृषि उत्पादन भी काफी कम हुआ था, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित हुआ था, आर्थिक विकास कम हो गया था। ठीक है, और अच्छा, इस योजना में हम मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का गठन ही इस योजना में हुआ था, तो ज्यादा कुछ मध्य प्रदेश का स्पेशली नहीं था। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि भारत में कृषि के साथ साथ उद्योगों को भी प्राथमिकता यहां पर दी गई थी। तो ये दो पंचवर्षीय योजना तक मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, क्योंकि मध्य प्रदेश तो था ही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नेक्स्ट है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक। अच्छा, ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये भी आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका जो लक्ष्य था वो था, अब देखिए, हम कृषि कृषि में काफी कुछ अचीव कर लिया था, उद्योग हमने काफी कुछ बना लिए थे, तो अब लक्ष्य क्या रखा गया, अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्थ विकास करने योग बनाना। अब हमें क्या लगने लगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, तो कृषि है हमारे पास, उद्योग हमारे पास है, तो डेफिनेटली अब हमारा अगला लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको हम स्टेबल बनाएं। इसके अलावा कृषि एवं मूलभूत उद्योगों का विकास करना, हमने अभी कृषि और उद्योगों को नहीं छोड़ा है। राष्ट्रीय आय में 30% तथा प्रति व्यक्ति आय में 17% की वृद्धि करना। तो कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में कितने परसेंट की वृद्धि आंकी गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब लक्ष्य कितने का रखा गया था, तो 30% का और प्रति व्यक्ति आय में 17% की वृद्धि। फिर 1965 का हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध, तो आपके जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी वो 3 वर्ष की देरी से ही शुरू हुई, 3 वर्ष की देरी से हुई शुरू हुई। तो 61 से लेके 1966 के बीच में ही 65 का युद्ध हो गया भारत और पाकिस्तान का। तो आप देखिए, युद्ध होगा तो सारी अर्थव्यवस्था जो है हमारी वो डगमगा जाती है। देखिए, अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, आज हमारे यहाँ एक आतंकवादी हमला होता है तो हम सोच लेते हैं कि यार भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है, सरकारें अपने लेवल पे सब कुछ करती हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई बीजेपी की सरकार हो, या कोई तीसरी सरकार हो, सरकारें अपने लेवल पे सब करती हैं। लेकिन सरकारों को ये पता होता है, गवर्नमेंट को ये पता होता है कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो उससे अर्थव्यवस्था कितनी प्रभावित होगी। और आज जो हमारी सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो चाइना भी हमारे ऊपर बिल्कुल चढ़ के बैठा हुआ है। हालांकि जब तक आपका जो अभी अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनका भी फिलहाल कोई भरोसा नहीं है क्या क्या रिलेशन है, कि क्या चल रहा है आज की डेट में, वो हमारा साथ देंगे कि पाकिस्तान का साथ देंगे। तो एक मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम्स इस तरीके से रहती हैं, इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार भारत ने पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किए जा रहा है, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो भारत सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। फिर इसी दौरान 1966 से लेकर 69 तक तीन जो वार्षिक योजनाएं थी वो चलाई गई, 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। ठीक है, जिनमें से पहली जो वार्षिक योजना थी वो थी 1966 से लेके 67, 66 से लेके 67 पहली वार्षिक योजना थी, फिर 67 से लेके 68 दूसरी वार्षिक योजना थी, और 68 से लेके 69 ये तीसरी वार्षिक योजना थी। अब चूंकि क्या है, कुछ प्राकृतिक संकट भी ऐसे आए थे जिनके कारण से ये योजना अल्टीमेटली एक अकाल पड़ा था, एक्चुअली तो अकाल पड़ा था 65-66 में। तो उस अकाल के कारण, दूसरा भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण, ऑलमोस्ट आप ये मान के चलें कि ये पूरी तरीके से असफल हो गई थी। ठीक है, जिसमें
उपलब्धि की अगर बात करते हैं तो आर्थिक समृद्धि दर 2.3% वार्षिक और प्रति व्यक्ति आय में सिर्फ 0.1 वार्षिक वृद्धि की दर हुई थी। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ असफलताएं इसमें मिली थी। पहली चीज तो 3 वर्षों के लिए स्थगित करना पड़ गया था। और भारत चीन का भी इसी में युद्ध हुआ था 1962 में, और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। तो आर्थिक विकास पूरी तरीके से प्रभावित हो गया था। ये मैं आपको बताना भूल गया, भारत और चाइना की भी युद्ध हुआ था 1962 में, फिर 1965 में भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, तो जो लक्षित विकास दर थी 5.6% हमने रखी थी, अचीव कितनी कर पाए, केवल 2.8%। फिर 65-66 में पड़ा भीषण अकाल के कारण योजना पूरी तरीके से ये असफल हो गई। फिर अगर हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए मध्य प्रदेश के गठन के बाद, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था राज्य का, उसके बाद संपूर्ण राज्य के लिए एकीकृत रूप से बनाई गई यह पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो स्पेशल एक राज्य के लिए, जैसे पहले तो राज्य था ही नहीं, अभी राज्य था, तो राज्य के लिए भी अब आपको देखना पड़ेगा। मतलब राज्य जो थे राज्य स्तर पे देखेंगे, और सेंट्रल था, वो तो सब देख ही रहा है सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, और राज्य जो थे वो राज्य स्तर पे देखेंगे। तो यहां पर भी मध्य प्रदेश, अगर राज्य की अगर हम बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है कि जो सिंचाई साधनों के जो विकास है उस पे राज्य ने सबसे ज्यादा, सिंचाई साधनों के विकास पर राज्य ने सबसे ज्यादा जोर इसमें दिया था, सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य में इसमें दी गई थी। ठीक है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में याद रखना है कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें ऐसा करा गया था। फिर नेक्स्ट है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से लेके 74 तक चली थी, 1969 से लेके 1974 तक। लक्ष्य था इसका स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अब देखिए अस्थिरता तो आई गई थी, दो दो युद्ध, ऊपर से अकाल, तो आर्थिक विकास तो निपट ही गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आर्थिक विकास जो था उसको हमें स्टेबल करना था, और आत्मनिर्भर फिर से बनना था, राष्ट्रीय आय और रोजगार सृजन में वृद्धि करनी थी, पिछड़े क्षेत्रों का तीव्रता से विकास भी करना, ये भी हमारा एक लक्ष्य था। इसके अलावा इसमें सामाजिक न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ कार्यक्रम जोड़ा गया, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उपलब्धियां, पहले 2 वर्षों में योजना सफल रही, उसके बाद जो हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। लेकिन असफलताओं में क्या था, लक्षित विकास दर 5.5% रखी थी, मिली कितनी, 3.3%। इसके अलावा 1972 का जो तेल संकट और बांग्लादेशी शरणार्थियों के संकट के कारण योजना असफल हो गई। हालांकि पूरे तरीके से योजना असफल नहीं थी, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये योजना असफल हो गई थी। अच्छा, अगर हम यहां पर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य लक्ष्य था विदेशी सहयोग के अभाव में, विदेशी सहयोग के अभाव में, मतलब हम किसी का सहयोग नहीं लेंगे, मतलब हम क्या बनेंगे, आत्मनिर्भर। तो राज्य के विकास कार्यक्रमों को, राज्य के विकास कार्यक्रमों को स्थायी गति प्रदान करना, स्थायी गति प्रदान करना, ठीक है, ये मुख्य लक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य का रखा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। चलिए अब हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है 1974 से लेके 1979 तक ही चली, और इसका जो लक्ष्य था वो था सी सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष आर्थिक विकास वृद्धि का मॉडल अपनाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद कर लें। इसके अलावा डीपी धर द्वारा गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य इसमें स्वीकारा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भरता की प्रस्तुति हेतु वृद्धि की उच्च, मतलब वृद्धि को उच्च स्तर पर बढ़ावा देना, तो एक आपका ये लक्ष्य हो जाएगा। तो ये दो तो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, ये बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसकी उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं, लक्षित विकास दर 4.4% की अपेक्षा कितनी मिल गई हमें, 5%, मतलब योजना कुछ हद तक चलो ठीक है चल रही है। लेकिन असफलताओं में अगर देखें तो 1971-72 की कीमतों में वृद्धि के कारण योजना पूरे तरीके से असफल हो गई थी। इवन 1978 में, एक वर्ष पहले ही, जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को समाप्त
कर दिया था। तो पांचवी पंचवर्षीय जो योजना थी ये भी ऑलमोस्ट असफल आपकी हो गई थी। अब हम बात करते हैं राज्य की, तो मध्य प्रदेश राज्य की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य की निर्धनता को, दूर करना। इसके अलावा आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देना, तो ये प्रमुख दो लक्ष्य थे। इसके अलावा कृषि विकास पर, सर्वोच्च ध्यान, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य ने क्या किया, कृषि पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया और राज्य की निर्धनता को तो दूर करना ही और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देना, ये इसका मतलब मध्य प्रदेश की पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है उसका लक्ष्य था। अच्छा, आप छठवीं पंचवर्षीय जो योजना आई उसमें 1980 से लेकर 85 तक ही चली और कृषि और उद्योगों के तीव्र विकास दर द्वारा गरीबी निवारण, ठीक है। देखिए कृषि जो है आपकी, अगर कृषि क्षेत्र में अगर बढ़ोतरी होगी तो गरीबी अपने आप कम होगी, क्योंकि जो किसान हैं वो ही सबसे ज्यादा गरीब हैं। मतलब 1980 से 85 में ऐसा सोचा जाता था कि जो गरीबी है वो गरीबी किस कारण से है, सारे कारणों का एनालिसिस होता था। ऐसा नहीं है कि बस पंचवर्षीय योजना उठाई और लक्ष्य ने रख दिया, सारी चीजों के सर्वे होते थे, उस हिसाब से ये चीजें बनती थी, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्नतम आय वर्गों की आय को बढ़ाना। अब देखिए यहां पर आ गई बात किसकी, आय बढ़ाने की। तो आय के बारे में कब सोचा गया, छठी पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करना, तो अब विकास के बारे में सोचा जाने लगा था कि सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं जीरो पर हूं तो मुझे सबसे पहले जीरो से टेन पे आना है, तब तो जाके मैं हंड्रेड पे पहुंच पाऊंगा ना। तो सबसे पहले हम टेन पे आए, अब हम हंड्रेड के बारे में सोच रहे हैं। तो अब हम विकास के बारे में सोचेंगे कि भैया देश का विकास कैसा हो, कौन कौन सी योजनाएं हमें लानी है, और आय जो निम्नतम जिनकी आय कम होती है मतलब मध्यम वर्गीय परिवार और जो गरीबी रेखा वाले जो लोग हैं उनकी आय को बढ़ाना अब मुख्य उद्देश्य इसका रखा गया। उपलब्धियों की अगर बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था इसमें बन गई। मतलब कुल मिला के हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वो क्या रही, सफल। अधिकांश निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हुई, 5.2% की लक्षित विकास दर, 5.7% की प्राप्ति हुई। मतलब 5.2 की जगह कितने की प्राप्ति हुई, 5.7% की। असफलताओं की अगर बात करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में निर्धारित विकास दर की मतलब की अपेक्षाएं परीक्षा नहीं है, निर्धारित विकास दर जो हमने रखी थी उससे बहुत कम दर से उसमें वृद्धि हुई, तो हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो दो बार तैयार की गई थी और इसी समय अवधि में जो जनता पार्टी थी तो जनता पार्टी द्वारा एक योजना चलाई गई थी अनवरत योजना, जो 1978 से 1983 चली थी, ठीक है, ये भी बनाई गई थी और इसका जो श्रेय था वो जाता है गुन्नार मेडल को। ये एक बहुत फेमस अर्थशास्त्री रहे, गुन्नार मेडल, ठीक है, तो ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखिए राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राज्य ने सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश ने किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया, मध्य प्रदेश ने दिया सबसे ज्यादा ध्यान इरिगेशन मतलब सिंचाई के ऊपर, ठीक है। सिंचाई के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पादन, इन चीजों के ऊपर भी मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा जो व्यय रखा था वो इसके लिए रखा था। और इसके बाद फिर जो दूसरी प्राथमिकता दी गई, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी थे लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पे रखा गया आपका कृषि को, ठीक है, कृषि क्योंकि हम अचीव कर चुके थे पहली, और इसके अलावा सामुदायिक विकास क्षेत्र, ठीक है, ये सेकंड प्रायोरिटी पे रखा गया इन दो को, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का। अब हम नेक्स्ट आते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 90 तक चली थी। लक्ष्य था इसका खाद्यान्न उत्पादन की स्थिरता को दूर करना, ठीक है, सॉरी अस्थिरता होगा ये, अस्थिरता को दूर करना। इसके अलावा रोजगार के जो अवसर हैं उनको सृजित करना और इसके अलावा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, तो ये तीन प्रमुख इसके लक्ष्य रखे गए थे। उपलब्धियां क्या थी, भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रोफेसर राजकृष्णा की हिंदी विकास दर की अवधारणा को पार करना, ये उसकी उपलब्धियां थी, इसको हमने पार किया। खाद्यान्न उत्पादन में 5.4% की लक्षित विकास दर की अपेक्षा 5.8% की हमने प्राप्ति की, ये परीक्षा यानी ये अपेक्षा है, ये गलती से टाइप हो गया है,
ठीक है, फिर है आपकी असफलताएं में औद्योगिक उत्पादन 8.1% रहा, जो 8.3% के निर्धारित लक्ष्य से कम था। ठीक है, मतलब कितना हमें रखा, 2.2 आपका ये कम रहा। ठीक है, तो ये इसकी असफलता थी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अभी भी हमने सिंचाई को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा। दूसरी चीज जो हमने प्रायोरिटी पे रखी वो रखी बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, और तीसरी जो प्रायोरिटी थी उस पे रखा अभी भी हमने किसको, विद्युत को। ये तीन हमने प्रायोरिटी इसमें मध्य प्रदेश ने रखी, इन तीन चीजों को वरीयता दी गई थी। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना। 1992 से 1997 तक ये चली, और आठवीं पंचवर्षीय योजना मतलब केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 2 वर्ष तो देर से ही शुरू हुई, और इसी दौरान 1990 से 92 के बीच में 2 वार्षिक योजनाएं भी चलाएंगे। ठीक है, विभिन्न पहलुओं में मानव का विकास करना और आम जनता को मानव जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव लाना, ये इनके प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, और उपलब्धियों में लक्षित विकास दर 5.6% की अपेक्षा 6.5% मिल गई। इसके अलावा प्रतिशत जो व्यापार का है और भुगतान असंतुलन की स्थिति में भी सुधार हुआ, राजकोषीय घाटे में भी सुधार हुआ, और कृषि औद्योगिक विकास दर और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। असफलताओं की अगर बात करते हैं तो सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों की धीमी वृद्धि और रोजगार सृजन में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो ये थी हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना। मध्य प्रदेश ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया, और देखिए इस योजना का मध्य प्रदेश में लक्ष्य था कि मध्य प्रदेश के जितने भी गांव हैं, ठीक है ना, उन गांवों में 100% बिजली या विद्युत को प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया था मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद कर लें। नेक्स्ट है नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना चली 1997 से 1997 से 2002 तक। ठीक है, लक्ष्य क्या था, सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना के साथ वृद्धि करना, महिलाओं, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कल्याण के लिए प्रयास करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम ऐसे लोगों के बारे में सोचने लगे थे जो वाकई में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए वर्ग थे। ठीक है, असफलताओं में क्या है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो अस्थिर थी, तो आर्थिक विकास दर प्रभावित होना स्वाभाविक था। लक्षित विकास दर 6.5 की अपेक्षा मिली 5.4, और ये योजना कुल मिला के असफल रही। कृषि क्षेत्र में जो विकास दर थी 2.1%, और लक्षित विकास दर थी कितनी, 4.2, तो मिली कितनी, 2.1। ठीक है, तो कुल मिला के ये योजना हमारी असफल हो गई। और नौवीं जो पंचवर्षीय योजना मध्य प्रदेश की थी उसमें सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र को प्रायोरिटी दी गई, क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता दी गई थी राज्य में, मध्य प्रदेश की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इनमें सामाजिक सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए सामाजिक सेवाओं में जैसे स्वास्थ्य हो गया आपका, ठीक है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब एक शिक्षा आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं आपका, देखिए स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो हमें पोषण की भी बात करनी पड़ेगी, आहार की भी बात करनी पड़ेगी, ऐसी मतलब जो जो ये जो सामाजिक सेवाएं हैं, ठीक है ना, सोशल सर्विसेज जिनको हम मतलब बोल सकते हैं, तो इन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था मध्य प्रदेश में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, नवीं पंचवर्षीय योजना में, 9th 5 ईयर प्लान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 8% की आर्थिक विकास दर हासिल करना, रोजगार के अवसर सृजित करना और सभी गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इनका लक्ष्य रखा गया, उपलब्धियां, लक्षित विकास दर 8% की अपेक्षा कितनी मिली, 7.8%, वास्तविक बचत और निवेश में लक्ष्यों से अधिक वृद्धि हो गई, कृषि उद्योग व सेवा में प्राप्त समृद्धि लक्ष्यों के काफी निकट आया, असफलताओं में निर्यात समृद्धि में 23.2% की वृद्धि जो लक्षित 12.4 से काफी अधिक थी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भारत का। अब हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना मध्य प्रदेश की। तो राज्य का जो विकास दर था, ठीक है, उसमें मतलब मध्य प्रदेश राज्य की जो विकास दर थी, इसमें जैसे प्राथमिक क्षेत्र,
इसको 4%, और जो द्वितीयक क्षेत्र थे, द्वितीयक क्षेत्र को 8%, और तृतीयक क्षेत्र जो थे उसको दिया गया 9%। इतना प्रतिवर्ष, इतनी मतलब एक लक्ष्य इस तरीके से बनाया गया कि प्रतिवर्ष इतनी वृद्धि हमें इन क्षेत्रों में करनी है, प्राथमिक क्षेत्रों में, द्वितीयक क्षेत्रों में और तृतीयक क्षेत्रों में। और कुल मिला के जो राज्य की जो विकास दर थी वो कितनी बनी, 7%। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट है फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, 9% की आर्थिक विकास दर हासिल करना, समावेशी विकास को प्राथमिकता, साक्षर बेरोजगारी को 5% से कम करना, साक्षरता दर को 85% तक करना। ठीक है, तो ये लक्ष्य रखे गए और 7.9% की विकास दर की प्राप्ति इसमें हुई। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से लेके जो 12 तक चली, इसमें राज्य की जो विकास दर थी, वो कितनी मिली, 7.6%। ठीक है, इससे पिछले पिछले पंचवर्षीय में कितनी मिली थी, 10वीं में 7%। तो नेक्स्ट जो पंचवर्षीय योजना है जो 2017 तक चलनी है, तो ये 12 से चली 2017 तक, तो अब तो ये केवल लक्ष्य है, उपलब्धि और सफलताओं की तो बात ही नहीं, क्योंकि अभी इसका पूरा एनालिसिस नहीं आया है। तो 9% की आर्थिक विकास दर के साथ त्वरित सतत एवं समावेशी विकास सितंबर 2012 में घटाकर 8.2% कर दिया गया, मतलब ये जो विकास था। कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि दर का लक्ष्य, और सकल घरेलू बचत 34.2% करने का लक्ष्य, और औसत राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी के 3.25% तक लाने का ये लक्ष्य रखा गया सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो विकास दर का लक्ष्य है वो रखा गया है 12% का। ठीक है, तो ये तो अब हमें पता चलेगा अगले साल कि क्या 12% हमने अचीव किया है या नहीं किया, तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा पंचवर्षीय योजना का गणित, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि कृषि और जो दूसरे टॉपिक्स हैं जिनका मुझे ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे, अगर आप वो चाहते हैं, उनके वीडियोस बनवाना चाहते हैं, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उससे जुड़े हैं, फेसबुक से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।